में प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित है, और उनके आभार मानते हैं। और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं हैं, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे। जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषणें पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज़ को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज है, अत्यंत आनंददायी सत्य की साक्षात मूर्ति है, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए। आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर आँख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन पर, जमीन की ओर, जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें, मेरी ओर नज़र रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर, विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें जमीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए, और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आँख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना, ऐसे आराम से, आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें आकाश की ओर, अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार रहें। फिर से आप राइट हैंड मेरी ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर, अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड सर पे रखें, आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आंख बंद कर लें, निर्विचार में
सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या, लेफ्ट हैंड मिरर जरा सर झुका कर, अब आप अपना राइट हैंड मिरर और लेफ्ट हैंड सर पे रख के सर झुका के नम्रतापूर्वक देखें, तालू के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मर अंदर से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें तीन बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछे तीन बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न तीन बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात कि यह सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं है, सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा। सेंटर में जाइए, थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मज़ा और क्या चीज़। आपको किसी चीज़ की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज़ को छोड़ देंगे जो चीज़ आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहें मैं ना देख पाऊँ तो मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूँगी कि इसे धो डालूँ। अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है और अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं नहीं सांप नहीं रस्सी, लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम यह है कि आपको लाइट के नीचे ला के खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर सहयोग में। और जो पहले प्रणालियाँ हो गए, बड़ा भारी अंतर है क्योंकि ये माँ का सहज योग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा, इतनी ज़िंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है, वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज़ स्वच्छ। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हजारों लोग सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागृत रखें। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दें।